सुनो सुनो, साले बजाना बंद करेगा तभी सुनेंगे ना वो। बड़े दुख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि जंगल के राजा शेर खान की अचानक मौत हो गई है। डॉक्टरों ने कहा है कि शेर खान को बचा सकते थे, लेकिन बचाया इसलिए नहीं कि अगर शेर खान को बचा लेते तो फिर शेरनी दोबारा शादी कैसे करती। क्योंकि अगर शेरनी दोबारा शादी ना करती तो फिर हम ये वाला एक्ट कैसे करते। क्योंकि इस बार हमने शेरनी का स्वयंवर रखा है। जंगल के जितने भी नौजवान जानवर हैं इसमें हिस्सा ले सकते हैं। जिस जानवर को खुश हो के शेरनी आमी तुम्हारे भालू भाषी कहेगी उससे वो शादी भी करेगी। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं रोहित शेट्टी की आवाज क्यों निकाल रहा हूँ। एक्चुअली मैं उसकी आवाज नहीं निकाल रहा हूँ, वो मेरी आवाज निकालता था। सुनो 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 की लत मोहे सी लागी हो गई मैं कंवारी। जंगल में मेरा पिया मरा तो हाय आई वांट टू मैरी दूजी बारी। हर सुबह को निकलूं और रात को लेता हूँ, इन काले बिलों के मैं हाथ नहीं आऊं। लेकिन मरने से पहले उसने क्या कर डाला, बढ़ गई मैं ओ जी हाँ जी, कर दी उसने कैसी शैतानी। ये रखे ना ये डाइस वाइस, ये लूडो खेलते खेलते ही मैं कब प्रेग्नेंट हो गई मुझे पता ही नहीं चला। लूडो से तो ना मैं इतनी तंग आ गई हूँ कि मेरा मन करता है कहना जरा अर्चना शेक इट लाइक अ बैरल। ओ मछली का फरार मछली है उसमें। शेर खान अब इस दुनिया में नहीं रहा, अब मैं अकेली जी के क्या करूंगी। नहीं मैं मर नहीं रही हूँ, अगर मैं मर गई तो इस शो के ग्लैमर का क्या होगा। मुझे तो बड़ी जोर से दोबारा शादी आई है। मैंने स्वयंवर इसलिए किया है ताकि मेरे बच्चे को बाप का नाम मिले। अरे इतनी महंगाई में एक बाप तो होना ही चाहिए ना। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहां से आया मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं कौन, मैं हूं मैं हूं मैं हूं डोंकी डोंकी। तुम ही शेरनी हो तो क्या मैं शक्ल से गधी लगती हूँ? मैं तेरे को शक्ल से कैसे पहचानता, तेरी गुफा के छेद में से जब नहाते हुए देखता था तेरा मुंह थोड़ी ना नजर आता था। आते के साथ ही इसने गंदी बातें शुरू कर दी। ये नहीं कि शुरुआत में कुछ साफ सुथरी बातें करूं। आते ही तेरे को नहला दुला दिया, इससे ज्यादा साफ सुथरी बात क्या करूं मैं। देख मैं तो कहता हूँ मेरे से शादी कर ले, तेरे को कैंडल लाइट डिनर पे लेके जाऊंगा। ये देख मैंने कैंडल भी मंगवाई है तेरे साथ, ड्रिंक देख कैंडल लाइट डिनर करेंगे एंजॉय करेंगे। मैं भी कितना गधा हूँ भूल ही गया हूँ, शादी के बाद तो सुहागरात होती है। पहले मैं दूध पी लेता, दूध आई नहीं क्या करूँ। एक सेकंड तेरे को इम्प्रेस करता हूँ मैं। देखा इतना भी गधा नहीं हूँ मैं। तू गधा होके मेरे स्वयंवर में तुझे आने किसने दिया? अरे मैं तो आना नहीं चाहता था साले, और किसी जानवर में पंच नहीं बन रहे थे, मेरे को भेज दिया इन्होंने। निकल यहाँ से, तू गधा है और मैं शेरनी हूँ, मैं तुझसे शादी नहीं कर सकती, निकल चल भाग। पागल शादी करते ही गधे हैं, समझ लोग तो फ्रेंडशिप करते हैं। और मैं तो कहता हूँ मेरे साथ शादी कर ले, मैं कोई आम गधा नहीं हूँ, खानदानी गधा हूँ। मेरा बाप चीता था, मेरी माँ लोमड़ी थी। सालों ने जमाने के खिलाफ जाके इंटरकास्ट मैरिज की, रिजल्ट फिर भी गलत आया, दोनों ने मिलके पैदा फिर भी गधा किया। तो मेरे से शादी कर, मैं तेरे को गारंटी देता हूँ मेरा बच्चा शेर ही होगा। Excuse me, मुझे बच्चा नहीं चाहिए, तुम मेरे पास ऑलरेडी शेर का बच्चा। देख मैडम ज्यादा इतराम मत, टाइम का कोई पता नहीं होता, आज गधा हूँ कल को बड़ा होके ऊंट भी बन सकता हूँ। वैसे गधा है लेकिन बातें इतनी क्यूट करते है ना। इतना क्यूट हो तो शादी कर ले मुझसे। चल एक मिनट के लिए मैं मान लूं कि मैं तुझसे शादी कर भी लूं। बस एक मिनट दे दे, उसके बाद शादी करनी भी नहीं मेरे को।
अर्चना जी आप बहुत इंप्रेस रहती हैं ना इससे। एक मिनट चाहिए इसको सिर्फ। ओए जाने मन आई लव यू। साले चूहा होके शेरनी को जाने मन कहता है। सोच शादी से पहले तेरे को जाने मन बोल के एंजॉय करा रहा हूँ, शादी के बाद क्या क्या करूँगा मैं। एक सेकंड, मेरे को ना तू प्यारी बड़ी लगती है, तेरे को एक बात बोलूँ मैं। बोल। एक पप्पी लूँ तेरी स्ट्रॉ से। स्ट्रॉ से पप्पी? स्ट्रॉ से? ये अपने साइज का स्ट्रॉ लेके आया मेरे लिए। अच्छा फिर मैं बड़ी वाली स्ट्रॉ निकाल देता हूँ। एक बात, बड़ी वाली स्ट्रॉ से पप्पी ले। साले चूहे, शेरनी से शादी करेगा तू? क्यों, परमीत ने भी तो की है अर्चना से शादी। Are you trying to say परमीत चूहा है? हमारे लिए ना सही, उसके लिए तो है ना। एक मिनट, जोक्स अपार्ट, मैं अपने मजे के लिए शादी नहीं कर रही हूँ, मैं अपने होने वाले बच्चे के लिए शादी कर रही हूँ। क्या? होने वाला बच्चा? साला प्लॉट किसी और का रजिस्ट्री मेरे नाम पे कर रही है तू। किसका है ये बच्चा? मेरे पति शेर खान की निशानी है। मरा कैसे तेरा पति साला बुजदिल? ये बहुत ही लंबी और दुख भरी कहानी। रहने दे, पंच तेरे पहले से नहीं आते, ऊपर से कहानी लंबी वो भी दुख भरी है। मैं पंच मारूं यहाँ, मेरा पति मर गया, तुझे कॉमेडी सूझ रही है? तो पति तो इस एक्ट में मरा है, पहले एक्ट में तो मरा नहीं था, तब क्यों नहीं की कॉमेडी? एक बात बता। हाँ बोल। तेरा पति मर गया है, तेरे को अपने पति की याद नहीं आती? एक्चुअली बोलूँ तो याद वाद नहीं आती, अच्छा ही हुआ मर गया, वरना एक आध हफ्ते में मैं ही उसकी चाय में रैट किल मिला के पिलाने वाली थी उसे। कोई फायदा ही नहीं है, वो तो चाय पीता नहीं, उसको तो शुगर थी। आई नो, अभी तुझे कैसे पता? क्योंकि मैं ही तेरा पति हूँ कमीनी। दो मिनट के लिए झूठ मूठ मर क्या गया, कुत्तों से इसलिए डर रही है तू? शेखर जी आपको पता है शेरों की गिनती 1411 क्यों बच गई है? क्योंकि सरकार हमारे लिए कुछ करती नहीं है, बीवियां हमारी पीठ के पीछे पता नहीं क्या क्या कर रही है। नहीं माफी वाली कोई बात नहीं, मैं खुद अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करूं, तू जा। हाँ। तुम्हारी गर्लफ्रेंड कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड अनीता। अनीता? ये गर्लफ्रेंड है तुम्हारी? ये क्यों हो नहीं सकती, तू शेरनी हो गए कुत्ते के साथ इश्क कर सकती, मैं बंदरिया नहीं फंसा सकता। चलो अनीता शादी करेंगे मजे। एक मिनट, तू क्या ये कैरेक्टर से अंदर बाहर कर रहा है? शेर है ना, तो चूहे की आवाज क्यों निकाल रहा है बे? देखो शेखर जी क्या फायदा शेर बनने का, शादी के बाद भी तो चूहा ही बनना है ना। तो कर ले अनीता से शादी। अर्चना जी मुझे तो इसने फंसा दिया, बहुत ही ब्रिलियंट परफॉर्मेंस था, आपको कैसी लगी? आई थिंक द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ ऑफ यू रियली वर्क्स ब्रिलियंटली, ग्रेट ह्यूमर एंड ग्रेट प्रेजेंटेशन फ्रॉम बोथ ऑफ यू। शेखर जी मेरे हिसाब से आज एक्ट में वो बात नहीं थी विच इज एक्सपेक्टेड ऑफ अ कपिल कविता टुगेदर, आई एम श्योर द नेक्स्ट टाइम यू गोइंग टू विन अस ऑल ओवर अगेन। अब स्कोर्स की बारी, अर्चना जी आपको मिले हैं 9 पॉइंट्स, शेखर जी